ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। जिला गुरदासपुर के बटाला इलाके के लोग पंजाब सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा इलाका, जिसका नाम तो सुंदर नगर है, लेकिन यहां पर हमारे जो कीमती मकान हैं वो समुन्दर में भस रहे हैं। बार बार प्रशासन और अलग अलग राजनीतिक पार्टी के अहदेदारों को कहने से भी हमारा वार्ड नंबर 33 की चार गलियां, जिनका काउंसिलर श्रोमणी अकाली दल पार्टी से संबंध रखता है, के द्वारा कोई हल नहीं किया गया। काउंसिलर द्वारा अपना तो इलाका बना लिया गया, लेकिन हमारे इलाके के बार बार कहने पर भी कोई हल नहीं किया गया। कांग्रेस के मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा खुद हमारे इलाके में कुछ समय पहले आकर देख कर गए थे और हमें आश्वासन भी दिया था, लेकिन वो आश्वासन ही रह गया और फिर दोबारा वह कभी नहीं आए। इलाके के लोगों का कहना है कि पंजाब सरकार और प्रशासन कृपा करें और हमारे इलाके में जो परेशानी चल रही है उसका जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि बटाला के सुंदर नगर के इलाके में रहने वालों की कोई जिंदगी नहीं है। हम इतने मजबूर हैं कि हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार आने से पहले 100 बार सोचता है। जगह जगह छोटे छोटे टुकड़ों पर पानी खड़ा है और नामुराद बीमारियों को दावत दे रहा है। हम इतने दुखी हैं कि इतने पैसे लगाकर घर तो बना लिया, लेकिन अब यह घर कोई खरीदने को भी तैयार नहीं है। कुछ समय पहले कांग्रेस के मंत्री आए थे, लेकिन वो भी लॉलीपॉप देकर चले गए और दोबारा फिर कभी नहीं आए, और ना ही कोई हमारी मुश्किल सुनने मंत्री द्वारा कोई अहदेदार भेजा गया। हमारा इलाका राजनीतिक पार्टियों के भेंट चढ़ा है, तभी इस इलाके का विकास अभी तक नहीं हो सका। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। साडा लिया रोड से महला सुंदर नगर है, वार्ड नंबर 33, जिसका एम सी सतपाल है। ये साढ़े महला सुंदर नगर दियां गलियां ने, चार गलियां पिछले 35 साल तो बनिया ने, उस तो बाद 35 साल तो बाद इन्होंने गलियां किसी ने पैसा नहीं लाया। सरकार आईया, सरकार बदल गई, वादे मिलते रहे भी आप गली बना देंगे। बड़ी बारी आप प्रशासन को मिले, MLA नूं मिले, बड़िया नूं मिले, MC नूं बहुत बारी किया, पर किसी ने भी इतने ध्यान नहीं दिता। यह कांग्रेस की सरकार बनने तो बाद मैं सब तो पहला अपने MC नूं मिलिया, एक बारी नहीं अनेक बारी उन्होंने मिलया, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, बेनती की है, वो मैं यो आश्वासन दिता रहा जी ताकि गली पै गई है, टेंडर से पै गई है, बस बना देनी है, बना देनी है। पर उसने आ चार गलियां नहीं बनिया अज तक, जिद बहुत ही पानी खलोता रहा। जे असी घर च मीह आ जाता तो अभी घर जो बाहर नहीं निकल सकते, पानी साढ़े घर के अंदर एंटर कर जाता है, जिंदा साढ़ा अंदर तक पानी चला जाता है। असी बड़े मजबूर हो गए, अज अपने चैनल का सहारा लिया है भी साड़ी आवाज़ जी है साढ़े नेतावान तक, साढ़े प्रशासन तक नहीं पहुँच रही। मैं खुद अपने महला निवासियों को लैके, अपनी टीम लैके, अपने SDM साहब मिल चुका, अपने बलविंदर सिंह होना, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी, रिक्वेस्ट की भी साड़ी जी गली बारे सोचा जाए, पर नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इतने बाजवा साहब न भी एक बार अपने महल सद्या, उन्होंने भी मौका विखाया, उन्होंने गलियां विखाइया, महल के लोगों ने अपनी परेशानी दसी, उन्होंने साडा वादा किया भी मैं जिहड़ियां इह गलियां ने हर हालत च बनावांगा तो फिर ही इस महल में दोबारा आवांगा। पर उस तो बाद चार पाँच बारी रिमाइंडर करन तो बाद भी अजे तक भी साड़ियां गलियां बारे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुई, ना कुछ सोचा गया। तो मंत्री साहब द्वारा आए जी वादा करके गए? नहीं, उस तो बाद मंत्री साहब साढ़े महल्ले च नहीं आए। इस करके असी अस हूँ चैनल का सहारा लिया है भी जोड़ा साडा इतने जीना दुशवार हो चुका है, असी नरक में जी रहे हैं, इतने इन्ना घा उग जाता है, इन्ना पानी खड़ा है, मच्छर खड़ा है, तो साडा रहन का कोई जिंदगी नहीं इतने इस वे। इस करके मैं सारे प्रशासन को हाथ जोड़ के बेनती करदा तो मंग करदा भी जरा सारे शहर के बटाले का विकास हो रहा है तो महला सुंदर नगर दियाँ इन्ह गलियां ना वितकरा क्यों, इन्हों गलियों के बारे भी सोचा जाए। इन्हों गली जो बारिश होंगी है पानी इतने लग लग ही खरो जाता, जे आ लागे पलाट एक दो खाली ना हो पानी किधर न जाए, ये घूम के मुड़के इतने का इतने इन्हें गली दे थोड़ी देर हो जे आ पलाट लिया अपने रैश वास्ते तो आ तुम वेख ही लो भी अगले पास की पोजिशन है। पलाट लिया कि लगता घा ही समझ लो है, कि नंगा जगह नहीं कि जा नहीं सकता बंदा, जो जाएगा तो पानी तो गलियां तो है ही, तो नज़र आनी डे 26 फुट गली है, अगे आ वेख लो कि फुट रह गई है। तो गल है भी इतने सारे लीडर ने, जे किसी कहीए तो वह अगे उल्ट हो जाता, तो किनू कहीए तो किनू ना कहीए, सारे एक उन्हें बाजवा साहब इतने आए, बाजवा साहब कहेंगे लो जी ये वो तो वह 2-3 महीने के बच्चे थोड़ी गली पक्की बनी लै, तो वह भी गए, कोई कल ही आए वह भी गए, दूजे आए तो वह गए, मैं ज्यादा खरे मैं हार के पलाट ही वेचन लाता भी थो निकलो चंगा।
ਕੋਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਲਾਤੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ।